लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न मीडिया चैनल्स ने एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया है और इससे भाजपा नेता चुनाव परिणाम से पहले काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी भी उत्साहित नजर आई। दिया कुमारी ने एवन टीवी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा नेत्री दिया कुमारी जी, उनसे बात करेंगे। मैडम, कल जो तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें सब में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनती नजर आई, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी एग्जिट पोल पर, कितना विश्वास है और आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल, ये तो सभी जानते हैं और सारे के सारे एग्जिट पोल्स एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है और बहुत अच्छी मेजोरिटी बन रही है। अच्छा मैडम, राजस्थान में भी बीजेपी को काफी जो 25 सीटें हैं वो सब 20 से प्लस 20 से भी अधिक सीटें बता रहे हैं। आप भी राजसमंद से भाजपा की प्रत्याशी रही हैं, आप कितने आश्वस्त हैं कि राजस्थान में क्या मिशन 25 पूरा हो पाएगा? बिल्कुल होगा, पूरी तरह से। क्या क्या वजह है कि इस बार, क्योंकि हमेशा एक देखने को मिलता है कि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर तब एंटी इनकमबेंसी देखने को मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एंटी इनकमबेंसी देखने को नहीं मिली, क्या कारण है कि बीजेपी इतनी जो एग्जिट पोल्स हैं उनके मुताबिक एक बार फिर से एक बड़े आंकड़े के साथ सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मजबूत नेतृत्व दिया है और एक साफ सुथरी राजनीति हुई है, अच्छी सरकार चली है, तो ये तो जनता ने देखा है। उसके बाद तो डेफिनेटली उनको ही चांस देंगे ना, और किसको देंगे? और ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे देश के सामने? कोई और ऑल्टरनेटिव दिख भी नहीं रहा। बिल्कुल डेफिनेटली मोदी जी आएंगे और अच्छी मेजोरिटी में आएंगे। तो ये है दिया कुमारी जी, जिनको एग्जिट पोल पर पूरा विश्वास है कि बीजेपी अच्छी तरह से एक बड़े आंकड़े के साथ मेजोरिटी में आ रही है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह का एवन टीवी जयपुर।